नमस्कार, आप देख रहे हैं वन न्यूज और आपके साथ मैं हूं मनीषा गोदारा। बुलेटिन की शुरुआत से पहले एक नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। दुनिया भर में कोरोना का कोहराम जारी, अब तक 65 लाख से ज्यादा लोग संक्रमित तो 3,87,000 से ज्यादा मरीजों ने गंवाई जान, वहीं 31 लाख से ज्यादा इलाज के बाद हुए ठीक। भारत में कोरोना संक्रमितों की संख्या 2,16,000 के पार, 6,000 से ज्यादा मरीजों की हुई मौत, तो अब तक 1,00,000 से ज्यादा मरीज हुए ठीक। पहली बार भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच वर्चुअल शिखर बैठक का आयोजन, पीएम मोदी स्कॉट मॉरिसन ने की कई मुद्दों पर चर्चा। पीएम मोदी ने कहा, ऑस्ट्रेलिया से हमारा संबंध मजबूत और भविष्य उज्ज्वल। कोरोना संकट के बीच राहुल गांधी की एक्सपर्ट से बातचीत जारी, आज उद्योगपति राजीव बजाज से की अर्थव्यवस्था को लेकर चर्चा। राजीव बोले, लॉकडाउन से चौपट हुई इकोनॉमी, सच बोलने से डरते हैं लोग। राजस्थान में कोरोना संक्रमण ने पकड़ी रफ्तार, आज 68 नए कोरोना पॉजिटिव आए सामने। प्रदेश में अब मरीजों की संख्या हुई 9,720, तो अब तक 209 मरीजों ने तोड़ा दम।